देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए MHO के अधिकारियों ने दुकानों में की रेड। अर्थ प्रकाश की विशेष रिपोर्ट। मिल गया जी, बहुत सामान मिल गया। बताओ कहाँ पड़ा था? कहाँ पड़ा था? ऐसा नहीं होता साहब, अंदर है, चाह के चलान करेंगे आपका। ये बंद है एक तरीके से। अभी से जिले बेच रहे हैं का? अगर वो बेचता पाएगा जी, आज खोज दिया कैरी बैग चेक कराओ। तू किसकी सेवा कर रहा है बता? प्लास्टिक आइटम तो रखी दिखा जी, एक पीस मिला लो। डब्बे वाले का जरूर करती है। खत्म इनको तो कपड़ा है ना, इनको तो पैक करके नेक्स्ट ईयर भी यूज कर लेते हैं। वॉशेबल होती है इसका नहीं पता जी, हमें इस बारे में सर जो आपने आज कार्रवाई की है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे आपको पता है कि फेस्टिवल चल रहे हैं इस टाइम, फेस्टिवल में क्या है कि लोग गंदगी वगैरह का विशेष ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें और संभावना होती है कि लोग पॉलिथीन का प्रयोग करते हैं, तो उनको रोकने के लिए आज हमने ये ड्राइव चलाई है कि खासकर मेयर मैडम का वार्ड है तो एक एग्जाम्पल जाता है कि जहाँ सख्ती की जाए, तो हमने यहाँ सख्ती करते हुए लोगों के चलान काटे हैं। जो लोग बाहर गंदगी थी, जिनकी दुकानों के बारे बाहर गंदगी पाई गई, उनके चलान किए। कितने चलान किए गए और किस चीज की चलान किए गए सर? सैनिटेशन के चलान किए गए जी, जिनकी सफाई में कोताही बरते नजर आए, और एक पॉलिथीन का चलान किया गया। उसके पास कटलरी वगैरह मिली थी हमें, वो हमने जब्त करके उसका चलान किया। कितने चलान किए गए सर? टोटल 5 चलान किए जी। तो सर ये क्या मतलब सफाई को किस तरह से मतलब दुकानदार रख सकते हैं और क्या क्या उनके लिए अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है? कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है जी। एक्चुअली क्या है, अवेयरनेस हम पिछले कई महीनों से लगातार करते आ रहे हैं, बट फेस्टिवल में क्या है कि लोगों का आना जाना कुछ ज्यादा बढ़ जाता है और मार्केट में सामान ज्यादा होता है तो गंदगी ज्यादा फैलती है, इसलिए उनको साफ अवेयर किया गया कि आप 2 डस्टबिन लगाओ, बिना सूखा अलग कूड़ा रखो और बाहर गंद ना गिराएं, ताकि बाहर अगर गंदगी नहीं होगी तो आपका चलान नहीं होगा। तो उनको समझाया गया है, काफी लोगों ने कोऑपरेट भी किया कि हम आइंदा सफाई का ध्यान रखेंगे। सर वार्ड 5 से आपकी वार्ड 6 में ट्रांसफर हो गई है, तो वार्ड 6 में कहीं लोग अवेयर हैं आपको लगता है? देखो जी, अगर ट्रांसफर के बाद जो उच्च अधिकारियों के आदेश है उनकी पालना करना मेरा कर्तव्य है। जहां मुझे लगाएंगे मैं वहां बढ़िया काम करूंगा, जैसा 5 वार्ड में किया उससे बेटर यहां 6 वार्ड में करूंगा, जो भी जिम्मेवारी लगेगी अच्छी तरह निभाऊंगा। आखिर संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं सभी शहरवासियों से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यह आपका शहर है, नगर निगम आपके साथ है, हम 24 घंटे आपकी सेवा में मौजूद हैं। सफाई रखिए, चंडीगढ़ को नंबर 1 बनाने में सहायता कीजिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।